ठीक से लगाना, हाथ क्यों कांप रहे हैं? इंजेक्शन लगाना आता है ना? ए, तुम भी एक नर्स हो ना? इधर आओ, पकड़ो इसे, इंजेक्शन दे उसे। हो गया क्या? पता ही नहीं चला। आज से तू ही इनकी देखभाल करेगी, समझ गई? बड़े भैया, मामला सेट है। hey, उस बाथरूम वाले बंदर को बुलाओ। दादाजी, डॉक्टर ने क्या बोला था? गुस्सा करेंगे तो 3 महीने में पैकअप। अच्छा, करेक्ट है। hey, उस बाथरूम वाले आदमी को बुलाओ। मेरी याद आई किसी को। सर, दैट बॉय इज चीटिंग सर। आई वॉज रनिंग सर, यू आर वॉकिंग सर। बैड टाइमिंग सर। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। अबे रुक, दादाजी। इसको छोड़ दो, मेहमान को खूब खिलाओ पिलाओ। कैसी खातिरदारी करने वाले हैं? उसके कान में क्या फुसफुस आया? कुछ खास नहीं, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। तुम उसके काम आ सकते हो। किडनीज फेल है? और क्या, मेरी किडनीज चाहिए? या तो बॉडी के बाकी पार्ट्स क्यों छोड़ दिए? वो भी तो निकाल लो, फ्री है। आइडिया अच्छा है, बुढ़िया की आंखें खराब है और इनके एक बेटे का लिवर भी खराब है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो भाई। हाँ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पूछ के आता हूँ। पूछ लो, कुछ मत छोड़ना। सारे खानदान को मेरे ही बॉडी पार्ट्स डोनेट करवाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। कितना बदल गया है मेरा पोता, बचपन वाली कोई बात ही नहीं रही। कौन आ गया? रुक, अपना काम कर बे। अरे यही मेरा काम है, तू बता मिलना किससे तुझे? अबे तुझसे क्या मतलब? अबे ज्यादा बोलता है। हाँ। पिछले साल तिरुपति स्टेशन पर 2 मर्डर हुए थे, याद है? हाँ। एक राज की बात बताऊं, उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन मेरा कनेक्शन है। हाँ। उस मर्डर के साथ? इस घर के साथ। इस घर का वारिस हूं मैं, पिचेश्वर लौट आया है। ओरिजिनल पिचेश्वर आ गया। अबे वही रोक उसे। कोशिश की थी छोटे मालिक, लेकिन वो बैल अंदर चला गया। 2-3 मिनट रोकना ही होगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है यार। इधर आना, मुझे पकड़ना। ए भागो भागो भागो। हेलो हेलो हेलो, सब लोग यहाँ आ जाओ, एक बात बतानी है। दादाजी, ये घर छोड़ने के बाद मैं एक फैमिली के साथ रहता था। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, उनके बेटे ने मुझे अपना भाई माना। आपके बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बताया, उसे मैंने यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया। जब वो आए तो उसे इस परिवार के सदस्य जैसा प्यार देना। वैसे वो थोड़ा सा गुस्सैल है, लेकिन कोऑपरेट करना। ए, एक बिन बुलाए मेहमान को हम लोग क्यों झेले? दादाजी, मेरी बात नहीं मानी तो मैं जाऊंगा। रुक जा बेटा, उसे लेकर आओ। घर पे कुंडली मार के बैठ गई है, नागिन कहीं की। अब ये कौन है? खाना लगाओ। ऐसे मुंह बनाकर बैठे हैं जैसे एलियन देख लिया हो। अरे ओ बूढ़ा, तू अब तक टपका नहीं? तेरी फोटो के लिए माला लाया था, लॉस हो गया। 5.25 रुपया पानी में ले, पहन ले। फूलों से मेरा स्वागत करने की बजाय मुझे झापड़ मारा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे झापड़ मारा? ये क्या, ये कपड़े क्यों उतार रहा है? सबके सब जाहिल है, कोई प्यार नहीं करता। सोचा था यहाँ आके बिरयानी खाऊंगा, लेकिन खाया क्या, झापड़। ये तो मेरी बेटी की तरह स्ट्रिप्टीज कर रहा है। संगत का असर है, मेरे पोते की सारी आदतें आ गई इसमें। दोबारा चला गया तो कुत्ते की तरह भटकूंगा।
कहीं ये ओरिजिनल वाला तो नहीं? कैसे पता लगाऊं? ओरिजिनल हुआ तो इसके कमर पर तिल होगा। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। ए, बेटा घर से भाग जाए तो उसे ढूंढना आपका फर्ज है, पता नहीं है? मैंने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, अब ये कौन है? तुझे क्या लगता है ये मेरी पत्नी है? गधे! ए, ए, तू कौन है? हेलो 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 हेलो, कौन है तू? जुबान नहीं है क्या? ये बता, उसे जानते हो? कौन है वो? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? उम्र से तेरी लगती है। ओके भाई, अपना इंट्रो दे। मेरा इंट्रो चाहिए? उसके लिए तुझे कहानी सुननी पड़ेगी। सुना। एक बार एक राजा था, उसकी एक एकड़ जमीन। राजा के पास खाली एक एकड़? मिडिल क्लास राजा था। ओके कंटिन्यू। एक बार एक राजा था। ओके एक सेकंड रुक, ये तेरी ही कहानी है ना? 100% मेरी है। तो इसमें राजा कहाँ से आ गया? ये किसी राज्य का राजा नहीं है, राजा किसान का नाम है। ओ कंटिन्यू कंटिन्यू। एक दिन हल जोतते हुए उसे एक सोने का हार मिलता है। वो सोचता है कि और सोना मिलेगा। वो जमीन खोदना शुरू करता है। एक फीट खोदी, कुछ नहीं। दो फुट खोदा, चूहा भी नहीं। तीन फुट खोदा, सेम स्टोरी। चार फुट खोदा, नथिंग गेटिंग। रुक जाओ, कितने फीट खोदने पर सोना मिला? 15 फुट पर जैकपॉट लगा। वहाँ पर क्या मिला? उसे एक बैग मिला। और उसके बाद? बैग बैलगाड़ी में रखकर वो चला गया। अबे रुक, इस पूरी स्टोरी में तू कहाँ पर है? उस बैग में मैं ही था ना। उस बैग में कैसे था? अरे सांस रोक के बैठा था। कोई सांस कैसे रोक सकता है? बहुत बड़ा ऋषि मुनि। क्या इरादा है? अब बॉक्सर उतारोगे? किस लिए उतारनी है? उतारोगे तो ही तो देख पाऊंगा। क्यों देखना है? वो कुछ नहीं, बस एक बार ऐसे देखना है। एक पंच मारूंगा ना तो 15 फीट गड्ढे में धस जाएगा। मुझे लगा ऐसे लोग सिर्फ शहरों में ही मिलते हैं। कैसे लोग? तेरे जैसे। मुझे तो लगा था कि मैं वन पीस हूँ। उस तरफ देखती रहो, उस तरफ। गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हें किडनैप किया गया था, मैं छुड़ाने आया था। अब वो मेरी किडनीज किडनैप करना चाहते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती, ये कहकर पुलिस के सामने कबाड़ा कर दिया। कल सूरज उगने और इन सरफिरों के उठने से पहले रफू चक्कर हो लेते हैं। लेकिन मैं तो कहना, उस तरफ देखो, यूजलेस लड़की। आधी रात के ठीक 5 मिनट बाद एक ब्लैक ड्रेस में ब्लैक बिल्ली की तरह बैक डोर पे मिलना। काली ड्रेस में क्यों? सत्यानाश, अंधेरे में काला रंग नहीं दिखता, कभी तो अक्कल लगाओ। आई एम ट्राइंग टू सेव यू यार, अभी तो समझी। ओके ओके, प्लान तो ओके है, पर पकड़े गए तो? अगर हम पकड़े गए तो मगरमच्छ के मुंह में बकरी जैसा हाल होगा। रुको, मगरमच्छ कौन है समझी तुम? नहीं समझी? मैं मगरमच्छ हूँ, आई एम द क्रोकोडाइल, यू नो। ओके ओके, पता नहीं तुमने MBBS कैसे पास कर लिया। स्लो माइंड। कपड़े सुखाओ। वो वीरा भाई मुझसे चालाकी करेगा, उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आज रात जंगम चाचा के साथ गेम खेलेंगे। ये लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? चिंटू, तुम्हें मेरे घर का नाम कैसे पता? तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानता हूँ मैं। तुम्हारा काम है चुगली करके लोगों के घर तोड़ना, और घर वालों ने तुम्हें यूजलेस डोरमैट समझकर पूरी तरह भुला दिया है। अगर तुम अपनी लाइफ सवारना चाहती हो तो मेरी कही बात माननी पड़ेगी। क्या कहती हो? हाँ, चलो। हे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन है वहाँ? ये मुझे जबरदस्ती भगा कर ले जा रहा था। खाली खोपड़ी की कसम, मैं इसे भगा के नहीं ले जा रहा था। तो किसे भगा कर ले जा रहा था? पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन धुलाई करेगा, पर कोई एक ही करना है। चाचा, आज इसे मौका दिया। ओके, गुड नाइट सर। क्यों मरवाया? ए, तू भी अंदर जा। ए, रुको, भागने से मना क्यों किया? आप पूछो चाचा। हाँ हाँ बोल, क्यों नहीं भागी? लगता है आप समझे नहीं, और आप कभी समझेंगे भी नहीं। साफ साफ नहीं कहोगी तो कोई नहीं समझेगा। कोई भी कुंवारी लड़की किसी लड़के की शादी क्यों रुकवाना चाहेगी? क्या पता दिमाग से पैदल होगी। नहीं, वो लड़की उस लड़के से प्यार करती होगी। ये तो लव का मामला है। आप मेरे प्यार को तभी समझेंगे जब लोग मुझे पोपली दादी कहेंगे।
छोटू लाल जी भैया, लड़कों को प्यार के पीछे बर्बाद होते कई बार देखा है, लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लड़की लाइफ बर्बाद कर रही है। क्या बात है, ऐसी लड़की पाने वाला कितना लकी होगा। उसका पति जब शाम को मर्डर करके घर लौटेगा तो उसे एक मसाज देगी, और जेल गया तो बेल पर छुड़ा लाएगी, बेल कैंसिल हुई तो बुलडोजर से जेल तोड़ देगी। इनके प्यार से हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। सारे गांव छान मारे, सिर्फ चार गांव बाकी हैं। मुझे जानकारी नहीं चाहिए, मुझे उन सब की जान चाहिए। जाओ जी। बिना डरे अपने पापा से मिल लो। अरे आज इतनी जल्दी खाना क्यों ले आए? शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं पीऊंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। ये दारू कलेजे को ठंडक देती है, और वैसे भी जीना कौन चाहता है। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप अकेले क्यों रहते हैं? अरे बहुत बड़ा खानदान है, पर दिल सबका उतना ही छोटा है। पत्नी और बेटी थी, उनको समझ ही नहीं पाया, और जब तक समझ आया तब तक बहुत दूर जा चुके। लाओ। बहुत हो गया, खाना खा लीजिए। अरे मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं रोकते तो तुम कौन होती? आपकी हो? बेटी, आपकी बेटी की तरह ही समझे। मैं किसी का बाप कहलाने के लायक ही नहीं। ये क्यों सोचते हैं कि आपकी गलती थी? ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी का जाना गलत हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है। चलो जाओ यार। पापा, पापा। क्या कहा? पापा? आलिया? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? तुमने मेरी बच्ची से मुझे मिलवाया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी बातें मत कीजिए, कहीं भावनाओं में बहकर आप सच ना बता दें, इसीलिए नहीं बताया। आलिया आपकी बेटी है, ये राज कुछ दिन और रखना होगा। मैं समझ गया बेटा।